एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ मौजूद हैं देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर और एनडीपीएस मामले के एक्सपर्ट विकास गुप्ता जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, चारों तरफ इसी बात की चर्चा है और एनडीपीएस मामले को आपसे हमें समझने की जरूरत है। आप हमें ये बताएं कि एनडीपीएस का जो केस है टोटलिटी में वो कितना सीवियर है और केस टू केस वो किस तरीके से डिफर करता है। देखिए, जहां तक एनडीपीएस आपको मालूम है एक स्पेशल एक्ट है जो 1985 में बनाया गया क्योंकि देश में और दुनिया में बढ़ते हुए ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए। जो इससे पहले सजाएं थी वो पर्याप्त सजाएं नहीं थी, कम थी। तो इसका जो स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट था वो यही था कि देश में बढ़ते हुए ड्रग्स के जो यूजेज है और पेडलिंग है उसको, और जो ड्रग कार्टल जिसको, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सिर्फ हिमाचल और मध्य प्रदेश में ग्रो की जाती है, लेकिन जो हार्ड ड्रग्स हैं राजेश जी आप जानते हैं, वो या तो लैटिन अमेरिका से नहीं तो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान के रास्ते से देश में आती हैं। तो उस स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में उस जो एक्ट एनडीपीएस एक्ट 1985 बना उसमें सख्त प्रावधान किए गए, लेकिन सख्त प्रावधान में भी तीन श्रेणी बनाई और यूजर की अलग श्रेणी बनाई। आपको या आपने तो बहुत कवरेज करी है पटियाला हाउस में आकर के इन केसेस की, आपको ज्ञात पता होगा कि इसमें रहा कि स्मॉल क्वांटिटी हर ड्रग की शेड्यूल दे रखी है कि स्मॉल क्वांटिटी कितने तक होगी और इंटरमीडिएट क्वांटिटी कितनी होगी जो स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की होगी, और कमर्शियल क्वांटिटी का अलग प्रावधान है। तो जहां तक स्मॉल क्वांटिटी की बात है तो वहां पे सजा 1 साल तक है। इंटरमीडिएट क्वांटिटी जो स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच है उसमें सजा 5 से 10 साल तक की है, और कमर्शियल क्वांटिटी में सजा 10 से 20 साल तक की है। लेकिन इसमें क्योंकि देश में बहुत युवा जनता इसका प्रयोग करती है, इसमें हमें इस सत्य को झुठलाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी जाएं, खाली बॉलीवुड में ही नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्स में, और यहां तक कि अगर मुझे हिचकिचाहट ना हो तो मीडिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो मरवाना जो एक लाइट ड्रग है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 से 3 करोड़ कैजुअल मैरिजुआना स्मोकर्स इंडिया में हैं, और जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेते हैं उसमें मात्र 6 महीने तक की सजा या फाइन का प्रावधान होता है। और इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने राजेश जी किसी को जेल जाते हुए नहीं देखा है, सबको फाइन पे छोड़ दिया जाता है। गुप्ता जी, जो एनडीपीएस की धारा है सेक्शन 21, 25, 27, 29 आमतौर पे इसी के इर्द गिर्द मामले दर्ज होते हैं, और जो 21 है उसमें अगर कोई शख्स ड्रग खरीदे, बेचे या उसका वितरण करे तो 6 महीने से लेके 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। वो क्वांटिटी पे आपने कहा कि निर्भर करता है। जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कंजम्पशन के मामले में गिरफ्तारी होती है तो वो कितना सीवियर है, स्मॉल क्वांटिटी के दायरे में आएगा, वो कितना सीवियर है? राजेश जी, अगर रिया की आप जो कल रिमांड एप्लीकेशन देखो तो 27 में पर्सनल कंजम्पशन की बात है जहां पे 6 महीने तक की सजा है, तो इन्होंने 27 तो लगाया ही नहीं। मैंने भी रिमांड एप्लीकेशन, मेरे हाथ में नहीं है लेकिन कल बहुत चैनल्स पे डिस्कशन हुआ, तो रिमांड एप्लीकेशन में 27A लगाया गया है, और 27A इतना सख्त प्रावधान है जो फाइनेंसिंग ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग है। तो रिया कोई ट्रैफिकिंग मेथड नहीं है, और राजेश जी आपने भी पटियाला हाउस में देखा जो कोरियर पकड़े जाते थे 5-5, 10-10 किलो हेरोइन के साथ, उन पे भी 27A नहीं लगाया जाता था। 27A ड्रग लॉर्ड जो किंग पिंस हैं उनके विरोध लगाया जाता है जो इस इलिसिट ट्रेड को बहुत अंतरराष्ट्रीय या देश के राज्यों में फाइनेंस कर रहे हैं। अगर आप प्रिक्योर मानूं भी मैं, अगर एक डेविल एडवोकेट की तरह भी, कि रिया अपने लिए, जबकि रिया ने मना किया कि उन्होंने अपने लिए नहीं और सुशांत के लिए ही प्रिक्योर किया है, और रिमांड एप्लीकेशन में भी यही लिखा गया है कि उन्होंने और सैमुअल मिरांडा ने सबने सुशांत के लिए प्रिक्योर किया है, तो पर्सनल प्रिक्योर जो कंजम्पशन के लिए किया गया है उसमें 27A का जो सेक्शन लगाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अनियमितता है।
और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कल जो आप शायद अभी लेना भी चाहते थे लेकिन बात आ गई, कि कल रिया को बेल क्यों नहीं मिली। आपने राजेश जी कवर किया है पटियाला हाउस को बहुत जी व्यापक रूप में, तो जो फर्स्ट रिमांड होती है वो सीएमएम की कोर्ट में होती है, और जाहिर सी सीएमएम बात है, सीएमएम अमूमन इंसान को या तो रिमांड में पुलिस के पास भेज देता है, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है, क्योंकि एनडीपीएस या सीबीआई ये सब एक स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, और उनका ये मानना होता है कि आप स्पेशल कोर्ट में जाइए और बेल लगाइए, मैजिस्ट्रेट इसमें रिमांड के अलावा उसके पास और कोई पावर नहीं होती इस प्रावधान में। जाहिर सी बात है कि किसी भी केस में जब इनिशियली मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेशी होती है तो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, और जुडिशियल कस्टडी तब तक चलता रहता है जब तक कि चार्जशीट ना हो जाए। हालांकि उसमें भी बैरियर है कि अगर आप 60 दिन या 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं तो बेल ग्रांट हो जाता है। लेकिन अब आप हमें ये बताएं कि इस केस में जो 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 मेरिट है उसको एनालिसिस करते हुए कि अब तो ये मामला एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट में जाएगा, तो प्रोसिक्यूशन के लिए, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के लिए ये केस कितना टफ है बिल को अपोज करने के लिए? देखिए राजेश जी, इस केस में बड़ी अद्भुत बात है। पहली बात, अमूमन केसों में रिकवरी होती है, सीजर होता है, कि आप किसी को कहीं जा रहे हैं नाके पे या किसी के घर पे या किसी बिल्डिंग में आपने रेड करी और आपको ड्रग्स समेत आदमी मिला, तो वहां ये केस कोई पोजेशन रिकवरी का केस ही नहीं है। ये सारा का सारा केस व्हाट्सएप चैट्स पे निर्धारित है, और उसी के बेसिस पे इन्होंने ये रिमांड एप्लीकेशन कल लगाई। और रिमांड एप्लीकेशन के अलावा आपको भी पता है, कई बारी जजेस को ये अपनी केस डायरी दिखा देते हैं कि जी हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, और हम अक्यूज से केस डायरी आपको पता है शेयर नहीं करी जाती, उसको नहीं दिखाई जाती। लेकिन जो भी व्हाट्सएप चैट में क्वांटिटीज निकल के आई हैं, देखिए मैंने, मुझे भी उतनी जानकारी है जितनी आपको है, क्योंकि ये सिलेक्ट मीडिया को मिसलीड करने के लिए ईडी ने इन चैट्स को सीक्रेटली डिस्क्लोज किया था। वो चैट्स में सारी की सारी स्मॉल क्वांटिटी निकल करके आ रही है, कोई भी इंटरमीडिएट क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी की बात नहीं है। इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की बात करी, तो कॉन्स्पिरेसी में भी तो आपको उतनी सजा होगी जितनी सब्सटेंटिव ऑफेंस में सजा है। अगर जी 22 में आप स्मॉल क्वांटिटी में 6 महीने की सजा का प्रावधान है और आप कॉन्स्पिरेसी में भी पाए गए, तो ऐसा थोड़ी ना कि कॉन्स्पिरेसी में आपको कमर्शियल क्वांटिटी की सजा दे दी जाएगी। जो वो तो सब्सटेंटिव ऑफेंस में रेड विथ होगा बिल्कुल। जो सब्सटेंटिव ऑफेंस में सजा मुहैया कराई गई है वही कॉन्स्पिरेसी में सबको सजा मिलेगी। तो कॉन्स्पिरेसी में जो 29 का भी सेक्शन लगाया है उसमें भी अधिकतम सजा 6 महीने या फाइन है। गुप्ता जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मामला अदालत में है तो अदालत क्या फैसला लेती है उस पर टिप्पणी करना हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन बीइंग ए डिफेंस काउंसिल, इस केस में अगर स्पेशल कोर्ट में मामला जाता है और बेल के लिए मूव किया जाता है तो आपको क्या प्रोबेबिलिटी लगती है इस केस को आगे? देखिए जहां तक कुछ पैराग्राफ्स मैंने रिमांड एप्लीकेशन के न्यूज़ चैनल्स पे ही पढ़े हैं, मेरे पास पूरी रिमांड एप्लीकेशन नहीं है, एनसीबी और क्या मटेरियल कोर्ट को बताती है सील्ड एनवलप में, ये चीजें स्पेकुलेट करना राजेश जी एज अ लॉयर आप भी जी समझेंगे कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जी आपको पता है कि कोर्ट में वकील का दिमाग, प्रोसिक्यूशन क्या चाल चल रहा होता है उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी, आप घर में स्ट्रैटेजी बना करके खाली नहीं जा सकते और कोर्ट में बहस कर सकते, किस तरह से प्रोसिक्यूशन अपना और मटेरियल दे रहा है या अपनी बात कह रहा है, उन तर्क वितर्क पे ही आपकी स्ट्रैटेजी उसी वक्त कोर्ट के अंदर बनाई जाती है, और मुझे लगता है यही एक सक्षम वकील का काम भी होता है। ये तो जाहिर सी बात है कि जो आर्गुमेंट होगा उस पे फैसला अदालत लेगी और अदालत के फैसले का ही लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। हम आपसे आखिर में ये जानना चाहते हैं कि दर्शकों को, आम लोगों को आप ये बताइए कि स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कॉमर्शियल क्वांटिटी ये क्या है और इसमें बेल और सजा किस तरीके से वैरी करती है?
हाँ राजेश जी, क्या है कि एनडीपीएस एक्ट में अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल दिया हुआ है, हर ड्रग की स्मॉल, इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी अलग अलग है। अगर आप हेरोइन की बात करेंगे तो 5 या 10 ग्राम है और कमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम है, और अगर आप गांजा की बात करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी 1 किलो है और कमर्शियल क्वांटिटी 25 किलो है। तो शेड्यूल में कम से कम 200-250 प्रोहिबिटेड ड्रग्स दी हुई हैं, जिसकी स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी अलग अलग उसमें प्रावधान है। स्मॉल क्वांटिटी में 6 महीने तक की सजा या फाइन होता है, और अमूमन जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस पकड़ती है, आपने देखा होगा बंबई में, दिल्ली में, पब्स में, रेव पार्टीज में कि 200 लोगों को पकड़ लिया। तो अगर हम देश में पर्सनल कंजम्पशन के लोगों को जेल में डालने लगेंगे तो जेल ही छोटी पड़ जाएंगी। और शायद इसी विवेक से पार्लियामेंट ने जब ये कानून 1985 में बनाया तो उन्होंने पर्सनल कंजम्पशन के लोगों को सिर्फ फाइन पे या 6 महीने तक की सजा दोनों का प्रावधान किया, और कोर्ट इसमें लीनियंट व्यू रखती हैं और वो अमूमन आपको फाइन पे छोड़ देती है। मेरे अपने इतने साल के अनुभव में मैंने पर्सनल कंजम्पशन पे जो स्मॉल क्वांटिटी है उसमें किसी को जेल जाते हुए नहीं देखा। दूसरी बात आती है इंटरमीडिएट क्वांटिटी, जो स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा होती है लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी से कम होती है, जिसमें सजा 10 साल तक की होती है, 5 साल मिनिमम, मैक्सिमम 10 साल। तो अमूमन कोर्ट 5 साल की सजा करके छोड़ देते हैं। तीसरी बात आती है कमर्शियल क्वांटिटी, जो मैंने आपको बताया कि शेड्यूल है जहां जी पे जी 150-200 ड्रग्स हैं, कमर्शियल क्वांटिटी में मिनिमम सजा 10 साल है और मैक्सिमम 20 साल। कोर्ट अमूमन 10 साल की सजा का प्रावधान करके उस अक्यूज को छोड़ देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें जो रिकवरी है उसकी क्वांटिटी कितनी है और कौन से सब्सटेंस की रिकवरी हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और उसी पर जो एनडीपीएस की धारा है वो लगाई जाती है और उसके हिसाब से मामले में ट्रायल चलता है। इस मामले में कोई भी ब्लैंकेट कोई ऐसा रूल नहीं है। रूल अकॉर्डिंग टू द रिकवरी, अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन, या फिर किस तरीके कोई ट्रेड में शामिल है तो वो पूरा का पूरा सरकमस्टांस साबित करना होता है कि कैसे सिंडिकेट में कोई शामिल है। तो ये कुल मिलाकर सारा मामला जब अदालत के सामने आता है तो अदालत में बचाव और अभियोजन पक्ष के वकील जब आर्गुमेंट करते हैं तो कोर्ट उस आर्गुमेंट को अप्रिशिएट करती है और फिर उस हिसाब से सजा सुनाती है या फिर बेल ग्रांट करती है, लोगों को बरी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास गुप्ता जी, आपने दर्शकों को जो पूरी पिक्चर क्लियर की इसके लिए आपका शुक्रिया।